हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 नंबर का होता है और ये एडवर्टाइजमेंट के अथवा में आता है। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो हैं आपके रिप्लाई टू एन इन्विटेशन, और उसके सभी वीडियोज के लिंक आपको यहाँ दिए हुए आई बटन में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगता है इसके लिए आप YouTube कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक क्वेश्चन देखिए, यू आर किरण, स्कूल कैप्टन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलेमपुर, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट ए डिबेट कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन 25th जुलाई। 25th जुलाई को आपके स्कूल में एक डिबेट कॉम्पिटिशन आयोजित होना है और उसके लिए आप स्टूडेंट्स को सूचना देते हुए एक नोटिस लिखिए। देखिए नोटिस होते क्या है, जितनी भी ऑफिसेज होती हैं वहां पर जब कोई सूचना जनरली एक को ना भेजकर सभी के लिए भेजी जाती है, हम जब एक सूचना को एक व्यक्ति के लिए ना भेजकर सभी व्यक्तियों के लिए भेजते हैं तो वहां पर लेटर का इस्तेमाल ना करके हम नोटिस का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो नोटिस जो है वो उस ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर छपा किया जाता है। नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर इस प्रकार से, सबसे पहले तो हम एक बॉक्स बनाएंगे और ये जो नोटिस है ये बॉक्स में ही लिखा जाएगा। उसके बाद में सबसे ऊपर हेडिंग में हम यहां पे डालेंगे उस संस्था का नाम जहां से नोटिस प्रकाशित किया जा रहा है, जहां से नोटिस पब्लिश किया जा रहा है उस संस्था का नाम। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हम डालेंगे डेट। इसके बाद में नीचे बिल्कुल बीचों बीच में हम डालेंगे नोटिस, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद में उससे नीचे की लाइन में हम डालेंगे जो भी हम नोटिस भेज रहे हैं उसका टाइटल, जिस बारे में भी नोटिस भेजा जा रहा है उसकी हेडिंग या टाइटल हम यहां पर डालेंगे। इसके बाद में यहां से हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम All the students are informed। देखिए यहां पर मैंने all the students are informed इसलिए लिखा है क्योंकि हम students हैं और हमारे लिए जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो generally स्कूल से संबंधित ही होते हैं और स्कूल में भी संबंधित होते हैं किसी न किसी प्रोग्राम से, किसी एक प्रोग्राम के लिए जो कि आयोजित होने वाला है या फिर आने वाले दिनों में कोई प्रोग्राम स्कूल के द्वारा आयोजित किया जाएगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट कार्य है उसकी सूचना यदि हमें सभी विद्यार्थियों को देनी है तो उसके लिए यहां पर हम नोटिस राइटिंग करते हैं। और नोटिस राइटिंग में हमारे जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो इसलिए यहां पर हम यहां पर लिखते हैं All the students are informed that। अब इसके बाद में लिखेंगे उस प्रोग्राम का नाम that, यहां पर ऊपर लिखा हुआ है a debate competition, तो यहां पर लिखेंगे a debate competition, और इसके बाद में यहां पर लिखेंगे is going to be held on 25th July in the school premises। अब इसको समझ लीजिए, ये लाइन हमने यहां पर कैसे लिखी है, डिबेट कंपटीशन ये वाला जो है इसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये आपके प्रोग्राम का नाम है,
ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। यहाँ पर ऊपर इस क्वेश्चन में है ए डिबेट कंपटीशन, तो फिर हमने यहाँ पर ए डिबेट कंपटीशन लिख दिया। इसके स्थान पर गांधी जयंती प्रोग्राम हो सकता है, कैरियर डे फंक्शन हो सकता है, एनुअल फंक्शन हो सकता है, तो यहां पर जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। इस प्रकार से, और ये जो डेट है इस डेट को भी हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे। फिर इसके बाद में स्कूल प्रमाइसिस, यदि कोई प्रोग्राम इंडोर हो रहा है तो उसके लिए हम लिखेंगे स्कूल प्रमाइसिस, स्कूल ऑडिटोरियम, या फिर कोई प्रोग्राम जैसे कोई खेल का आयोजन है जैसे कबड्डी टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, तो उनके लिए लिखेंगे हम ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड। इसके बाद में हम लिखेंगे यहां पे ऑल, यहां पे अच्छा डिबेट कॉम्पिटिशन में कुछ लोग हिस्सा भी लेते हैं तो उनको भी आमंत्रित करना है। तो want to participate in the program shall give their names to the undersigned. Those who want to participate in the program shall give their names to the undersigned. Those who want to participate in the program shall give their names to the undersigned. जो भी कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वो अपने नाम अधो हस्ताक्षरकर्ता को देवें। All must attend the program. और इसके बाद में यहाँ पे अपना ये खत्म हो जाएगा। यदि किसी इस तरह के इवेंट के बारे में यदि हमें सूचना देनी है तो फिर इन लाइनों को आप याद कर लीजिए। Those who want to participate in the program shall give their names to the undersigned and all must attend the program. इसके बाद में हम यहां पे क्योंकि सिग्नेचर भी करने हैं आप, तो फिर जिस व्यक्ति ने यहां पे ये नोटिस लिखा है उसका सबसे पहले नाम आएगा, तो यहां पे नाम आएगा किरण। फिर उसके बाद में क्या है वो कैप्टन, स्कूल कैप्टन, और बस यहां पे अपना ये नोटिस बंद हो जाएगा। इसके बाद में सेम इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं, और आपको ये क्वेश्चन अपने एक तो ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम मैंने यहां पे बताया है ये वाला, और इसके बाद में एक जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देने जा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ये दोनों क्वेश्चन यहां पर मैं कुछ इसी क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूं। देखिए चेंजेस सारे हो गए हैं, अब ये एक नया क्वेश्चन है और ये आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करना है।